नमस्कार दोस्तों, गीकी राम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि मैं आप सभी के लिए 11 महीने से कुछ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं 11 महीने से वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो सबसे पहले कारण है दोस्तों कि जो मेरा गीकी रामू का चैनल था उसके मेरा कंट्रोल जा चुका था। तो लगभग मैं लास्ट फ्राइडे ही मेरा इस पर कंट्रोल आया हुआ है, तो इसी की वजह से मैंने कुछ अपडेट भी किए हैं मेरे कम्युनिटी टैब पे। तो आप सब जाके उसमें देख सकते हो कि क्या क्या अपडेट मैंने किए हैं। तो आप सभी को मेरा कुछ कारण था कि ये चैनल क्यों नहीं स्टार्ट हुआ था। अब उसके पीछे तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं बताने बैठ गया तो पूरा रात चली जाएगी, इसलिए कुछ इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोला जाता दोस्तों। पर दोस्तों, जो आप सभी ने क्वेश्चंस के से कमेंट सेक्शन के अंदर किए थे, आप सभी की में से मैंने 90% लोगों के कमेंट के सेक्शन के जो आंसर थे सब कुछ मैंने दे दिया है दोस्तों। मुझे पता है कि लगभग मैं 8 महीने या 9 महीने पुराने कुछ क्वेश्चन से मेरी गलती से कारण मैंने वीडियो नहीं बना रहा था, तो आज मैंने उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा मेरा कारण है। पर दोस्तों, मैं आप सभी से इस वजह से दिल से माफ़ी मांगता हूँ और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। लगभग मैंने 2000 सब्सक्राइबर छोड़ के गया था इस चैनल पे, तो आज मैंने देखा लगभग में 6000 सब्सक्राइबर्स होने आए हैं। तो आप इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने मुझ पर भरोसा किया, आपने मेरे चैनल पर भरोसा किया और आप मेरे इस चैनल पर स्टेटमेंट रहे। अब दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ बताना मुश्किल था कि उस चैनल पर मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता था। अब कारण क्या है दोस्तों, वो सब जानने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कारण क्या था यूट्यूब के पीछे। अब लास्ट फ्राइडे ही जब मेरा कंट्रोल आया तो मैंने कम्युनिटी से कुछ मेरे वीडियो पे मैंने डाला था, और कल रात को ही मैंने लगभग में 11 के बजे के करीब में कुछ मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर टैग किया था, तो आप में से किसी ने देखा नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जो मेरा गीकी रामू का चैनल था दोस्तों वो भी मेरा चैनल है, और जो मैंने ये अभी गीकी का चैनल था दोस्तों वो भी मेरा चैनल है, और जो गीकी रामू का भी मैं चैनल जो लास्ट 2 ईयर्स से रन कर रहा हूँ दोस्तों ये भी मेरा चैनल है। तो अब दोस्तों, दोनों ही चैनल मेरे हैं। तो आप सभी को जो मैं क्वेश्चंस के आंसर गीकी रिकी के चैनल के थ्रू देता था दोस्तों, तो वो भी मेरे एकदम राइट आंसर थे। जो गीकी रामू के चैनल के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देता हूँ दोस्तों, वो भी राइट है। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, 90% लोगों ने तो अच्छे कमेंट किए हैं, पर जो 10% और 12% के लोगों ने जो इतने ख़राब कमेंट किए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जो कमेंट आते हैं तो हमको उससे एक शक्ति मिलती है, हमको पावर मिलती है वीडियो बनाने के लिए। आप सब जानते हो दोस्तों कि हमको कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आप सभी के लिए कंटेंट लाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप सभी जो भी मेरे हेटर्स हैं दोस्तों, उन सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इन सब कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का कोई मकसद पैसे कमाने का नहीं है। आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करने जा रहे हो दोस्तों तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, उसके कारण ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ना कि पैसों के लिए। अगर मैं पैसों के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता तो आज मैं आपको सिंपति लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, तो दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं करता हूँ मैं, अपने मेहनत से करता हूँ। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करता हूँ, उसके हिसाब से ही मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं दोस्तों। मैं कभी आपको नहीं बोलता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैं सिर्फ अपने वीडियो के लिए यही बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं सबको जबरदस्ती नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक ही कीजिए, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपको आपको मन से अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है मेरे वीडियोस में तो तभी लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पर कुछ अच्छी चीज़ें बताइए दोस्तों। ऐसे सब गालियाँ मतलब अच्छा नहीं लगता ना। कोई अगर एक इंसान होता है मेहनत करता है, अगर मेहनत करते करते इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए बनाता है, सिर्फ उसके कुछ बैकग्राउंड के कारण, मतलब कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसके कारण अगर आप उसको ऐसा करोगे दोस्तों तो नहीं चलेगा। तो मैं वही बोलता हूँ हेटर्स को कि आप दीजिए दोस्तों, आपका हक है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहे हो, पर ऐसा भी कमेंट मत कीजिए कि किसी को अच्छा ना लगे। हाँ, क्योंकि मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करने से यार मैं आप सभी से नहीं बोलता होता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जबरदस्ती कभी नहीं बोलता था। आपको अच्छा लगे दोस्तों सभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मैं दोस्तों, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं दोस्तों, उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को 11 महीने तक सपोर्ट किया और आज लगभग मैं 6000 मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, होने आए और हो जाएंगे मुझे पता है, और लगभग मैं तीसरी फिल्म भी मैंने आने वाली है। अब दोस्तों, आप सभी ने जो गिव अवे थे,
जो भी था दोस्तों उन सब का मैंने विनर्स का लिस्ट बना के रखा था, पर अब फिर से चालू करेंगे वो सब चीज़ों को कि क्या गिव अवे करना है आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए या किसी टीवी के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं उसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। अगर आप मुझे नहीं बताओगे दोस्तों कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सैमसंग M20 और M10 का जल्द ही मैं अनबॉक्सिंग लाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको M20 या M10 का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप उसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, तो मैं उसका अनबॉक्सिंग भी आप सबके लिए कर दूँगा। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूअर्स का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है कि आपने मेरे चैनल को 11 महीने तक सपोर्ट करते रहे। मेरे वीडियो अपलोड ना करने के बावजूद भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने मेरे चैनल पर भरोसा दिखाया। मुझे ज़रूर पता है दोस्तों कि मेरे कंटेंट में कुछ ऐसी मतलब चीज़ होगी कि खास चीज़ होगी कि तभी आप मेरे वीडियो देख रहे हो, नहीं तो कोई ऐसे मेरे वीडियो नहीं देखेगा। हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैंने आप सभी का भी ध्यान रखा है, आप सभी ने जो भी मुझसे कमेंट किया था दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट का आंसर देता हूँ। वैसा नहीं है कि किसी एक नॉर्मल कमेंट का आंसर नहीं देता, मैं आपके ईच एंड एवरी पर्सन के कमेंट को अपना कमेंट लेके ही चलता हूँ और तभी सभी के मैं आंसर करता हूँ दोस्तों। भले ही मेरा बैकग्राउंड क्या अच्छा ना हो या कुछ बैकग्राउंड में मतलब अच्छा ना हो दोस्तों, पर जो लाइटिंग अच्छी ना हो, पर जो भी मैं कमेंट लेता हूँ दोस्तों आप सभी के पूरे एकदम सीरियसली लेता हूँ। वैसा नहीं है कि कोई कमेंट मैंने ले लिया तो उसका आंसर नहीं करता हूँ, मैं सभी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर के पूरा डीपली एंड क्लियरली देने की प्रयत्न करता हूँ, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन हो कोई भी चीज़ के रिलेटेड में, कोई भी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड में, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। दोस्तों मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो अब मेरे से चाहिए। अगर आपको टेक रिलेटेड वीडियो चाहिए या फूड वर्ल्ड लॉग रिलेटेड वीडियो चाहिए दोस्तों, तो सभी तरह के वीडियो मैं आप सभी के बना चाहता हूँ। तो मुझे आपका एक कमेंट चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, तो मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही कहना चाहता था कि आपने मेरे 11 महीने तक मेरे चैनल का वेट किया, तो आपका वेट ख़त्म हो चुका है। अब मैं डेली बेसिस पे मेरे गीकी रामू चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो देखना है तो दोस्तों, तो आपको जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का उसको दबाना है, उसके बाद में जो बेल आइकन दिया हो दोस्तों उसको भी प्रेस कर देना, जिसके कारण अगर मेरे वीडियो अपलोड होते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे और आपको आपके नोटिफिकेशन बेल के अंदर मिल जाएंगे। और मेरी वीडियो दोस्तों जनरली जो भी देखता है दोस्तों वो उसको उनको अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खराब कमेंट करते हैं, तो मैं उनका कोई अनदेखा करता हूँ उन लोगों को, क्योंकि उनके कारण ही मुझे ताकत मिलती है। अगर वो नहीं बोलेंगे ऐसा तो मुझे ताकत नहीं मिलेगी। मैं उन सभी को कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, मैं उन सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा पेशेंट रखिए, पेशेंट रखोगे तभी आपको अच्छे से अच्छे आप सभी के लिए लेकर आ पाऊँगा। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ा मेरा इंट्रो देना था इस चैनल के रिगार्डिंग में कि गीकी रामू का चैनल अब डेली बेसिस पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप सभी को अब डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से कहता हूँ कि आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस रिलेटेड में मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको टेक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो टेक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको फूड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो फूड रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको मतलब गाड़ियों के रिलेटेड में वीडियो चाहिए तो दोस्तों गाड़ियों के रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए। मुझे सभी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, वैसा नहीं है कि मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मुझे सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। टेक्नोलॉजी ले लो, फूड ले लो, गाड़ी ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, सबके बारे में मुझे इंटरेस्ट है दोस्तों। तो आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, पर मेरा फेवरेट सेक्शन रहेगा दोस्तों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, तो बेफिक्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं आपको 100% सॉरिटी देता हूँ, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली दूंगा। जब तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा दोस्तों, और ज़रूर दूंगा दोस्तों। वैसा नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊँगा, कोई भी छोटा मेरा सब्सक्राइबर्स होगा, अगर वो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करता, मेरे व्यूअर्स भी, वो भी मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनके सभी के आंसर दूंगा दोस्तों। पर दोस्तों आप इस चैनल को सपोर्ट चाहिए, और अब मैं नए 2019 चालू हो चुका है, 2018 में छोड़ के गया था लगभग मैं मार्च के अंदर, कुछ कंट्रोल चला गया था इसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है दोस्तों।
उसके पीछे कुछ कहानी है। आप कहानी सुनने जाओगे दोस्तों तो पूरा दिन हो जाएगा, इसलिए मैं उस कहानी को बयान नहीं करना चाहता। तो अब मैं 2019 के अंदर वापस आ चुका हूँ, तो आपको किस तरह के वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया, मेरे वीडियोज़ को शेयर किया। मुझे पता है कि कुछ कुछ वीडियो के अंदर कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ और आगे अच्छे वीडियो लाने का प्रयत्न करूँगा आप सभी के लिए। और कुछ वीडियो के अंदर खामी हो जाए तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी भी आप सब मुझे बताओगे दोस्तों तो ही मुझे पता चलेगा क्या वीडियो के अंदर खामी है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो नीचे लाल कलर का रेड सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, तो उसको दबा दीजिए। और उसके बाद में जो बेल आइकन दिया हुआ दोस्तों उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिसके कारण जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आप सभी को पहले ही मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।